जय श्री राम दोस्तों, यहाँ राजा बेटा खेल रहे हैं बाहर दोस्तों के साथ और मैं वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बाहर का मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी मायके में हूँ और इससे खुशी की बात और कोई भी नहीं हो सकती मेरे लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम और मायके में रहो तो मुझे लगता है ये तो दुगनी खुशी ही हो जाती है। सारी फ्रेंड मिल जाती हैं, मोहल्ले की, बच्चों को भी अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलता है नानी के घर पे। और जो ये समर वैकेशन होता है ये बच्चों के लिए ज़रूरी है, ये ज़्यादा करके अब हम लोग तो बाहर जा नहीं सकते, पति देव की ड्यूटी जो है, तो नानी के घर तो आ ही सकते हैं। तो यहाँ राजा बेटा को लेके आ गई थी नानी के घर और दोस्तों से तो ये फटाक से घुल मिल जाते हैं, तो उनके साथ ये खेल रहे थे क्रिकेट, सारे बच्चे खेल रहे थे। ये सारे बच्चे मेरी फ्रेंड के, एक बच्चा मेरी फ्रेंड का भी है इसमें और दीदी लोग के भी हैं मोहल्ले के। तो राजा बेटा अपना ग्रुप तैयार कर लेते हैं, उनको फ्रेंडशिप करने में वो बहुत आगे हैं, मतलब जहाँ बच्चे दिखे वो फटाक से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो अभी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बट एक गलती वो ये करते हैं कि वो अगर बैट ले लेते हैं तो वो किसी को भी नहीं देते हैं। तो यहाँ मैं बोल रही थी और यहाँ पर एक बच्चे को लगी प्यास, तो मैं यहाँ पे मशीन चला के बोल रही थी कि चलो पानी पी लो। तो राजा बेटा ये चीज़ें देख रहे थे, बस मैं डर रही थी कि वो आ ना जाए पानी पीने के लिए, लेकिन नहीं वो भूल गए थे। फिर यहाँ पे वो बॉलिंग करने लगे हैं लेकिन अभी उनको आता नहीं है, छोटे भी तो बहुत हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि अब आप चलिए मामा के साथ खेलिए, लेकिन नहीं यहाँ पे छीना झपटी हो रही है। वो बोल रहे थे कि मुझे दीजिए बैट, मुझे दीजिए, मैं खेलूँगी। और यहाँ पर मैं बैठ के बच्चों की रिकॉर्डिंग कर रही थी और राजा बेटा बैट देने से बिल्कुल मना कर रहे थे। फिर राजा बेटा को साथ में लेके मैं छत पे आ गई थी क्योंकि वहाँ पे राजा बेटा कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे, क्योंकि बच्चे अब खेल रहे हैं और राजा बेटा बैट नहीं दे रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा कि चलो आप छत पे मामा के साथ खेलना, तो हम लोग यहाँ छत पे आ गए थे। तो राजा बेटा अपने मामा के साथ खेल रहे थे, जैसा कि घर पर हुआ था वहाँ पे बॉल गिर गई थी पीछे खेत में, ऐसा यहाँ पे भी उन्होंने किया और बॉल खेल रहे थे और खेलते खेलते बॉल जो है पीछे गिर गई थी। और ये दिख रहा है हमारे घर के पास से काली माता की मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है काली चौरा की। और ये है मेरे घर का लोकेशन, मतलब ये है मेरा मोहल्ला, और मोहल्ला अच्छा लगता है, अपना मोहल्ला है तो कैसा भी है अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है कि मायके में हूँ और ये सारी चीज़ें बहुत मिस करती हूँ। फिर घर पे आ गए थे तो राजा बेटा नहा लिए थे क्योंकि गर्मी से वो बहुत भीग गए थे, तो वो फिर से नहा लिए थे और अपनी नानी के साथ बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। पूजा करने में वो जब भी यहाँ आते हैं तो मतलब सुबह शाम वो नानी के साथ बैठ जाते हैं, नाना जी के साथ बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि नाना जी भी सुबह बिना पूजा किए कुछ नहीं खाते हैं और नानी की तो आदत ही है पूजा करने की, तो वो उनकी ड्यूटी बन जाती है, दोनों टाइम बैठ के आराम से पूजा करते हैं। फिर यहाँ पे मम्मी बना रही थी सरपुतिया की सब्ज़ी, मैंने उनको बोला था कि मम्मा मैं सरपुतिया जो है वो कच्चा मसाला जो बनता है वो नहीं बना पाती हूँ, प्लीज़ आप मुझको वो बनाइए। पापा बोल रहे थे कि नहीं भुजिया ही बना दो, लेकिन मम्मी मेरी फरमाइश पे मान गई और वो बना रही है अभी कच्चा मसाला की सब्ज़ी सरपुतिया की, जो चावल से खाने में बहुत टेस्टी लगता है मुझे। तो यहाँ पर मम्मी बना रही है और उसने हींग का तड़का दिया है, इसमें हींग भी पड़ता है, और हींग का तेल डाला, हींग का तड़का दिया और फिर उसमें डाल दिया है सरपुतिया, और इसको भी अच्छे से चलाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, इसको इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, बट मैंने कभी बनाया नहीं है तो मुझे आता नहीं है, हाँ एक बार देख लूँगी अब आ गया। और ये मम्मी ने तैयार किया है इसका सरसों का मसाला, जो सरसों से बनता है कच्चा मसाला, वो तैयार कर दिया है। और यहाँ पे अभी ये इसको अच्छे से भून रही थी ताकि जो भी पानी है ये अपना छोड़ दे पानी, और फिर इसमें ये मसाला मम्मी ने ऐड कर दिया है और इसको भी धीमी आंच तक पकाएंगे, इसलिए कि अभी सरपुतिया गला नहीं है, गलने में जो भी टाइम लगेगा। और यहाँ छोटी सिस्टर जो है शर्मा रही है, मटकते मटकते चल रही है और मटकते मटकते जाके मम्मी से लड़ गई थी, वो देख नहीं रही थी। फिर यहाँ पे उसका काम है चावल बनाने का, अब मायके हूँ तो मुझे कुछ काम नहीं करना है और आज पहला दिन है, थोड़ा बहुत काम कर देती हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं करती। और यहाँ सरपुतिया की सब्ज़ी हो गई है तैयार और गर्मा गर्म रोटी भी बन चुकी है, ये है लास्ट रोटी और सारी रोटी बन गई थी, ये लास्ट रोटी एक है, सारी रोटी मम्मी बना दी थी, एक लास्ट थी तो मैंने कहा कि लाओ मैं इसको पलट देती हूँ। और पापा खाना खाने वाले थे अभी
क्योंकि आज लेट हो गया है खाना बनाने में भी और खाने में, तो यहाँ पे फटाफट से मम्मी पापा का खाना निकाल रही है खाने के लिए। मम्मी पापा का ही क्या, सबका ही खाना निकाल रही थी खाने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा चावल दिया जा रहा है। ये खाने में कितना यम्मी लगेगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। जब मैं पता नहीं कितने 4-5 साल के बाद खा रही हूँ, तो यहाँ मैं मम्मी के साथ बैठ गई थी खाने के लिए। राजा बेटा पहले ही खा लिए थे मौसी के हाथ से, अब नानी के घर आए हैं तो ये सब चीज़ें अब मुझे नहीं करनी पड़ती है, ना खिलाने की चिंता ना नहलाने की चिंता, ये सारी चिंताओं से मैं मुक्त हूँ। मतलब मुझे कोई काम नहीं करना रहता उनका, वो उनके नाना नहला देते हैं और जो है नानी खिला देती हैं, मौसी खिला देती हैं, मामा खिला देते हैं, तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। मायके आने का यही फ़ायदा है। और गर्मी भी है तो मुझे वैसे भी अब जब यहाँ आ जाती हूँ तो मैं एक आलसी सी लड़की हो जाती हूँ, मुझे कुछ करने का मन नहीं होता है। तो मम्मी के साथ बैठ के आराम से खाना खा रही हूँ और सब्ज़ी का आनंद ले रही हूँ, इसलिए कि इतने सालों बाद ये सब्ज़ी खाने को मुझे मिली है। खाना खाने के बाद जैसे ही हम लोग सोचे कि आराम से बैठेंगे, वैसे ही लाइट गुल हो गई थी मोहल्ले की, तो हम लोग निकल गए थे टहलने के लिए बाहर सड़क पे। और यहाँ पे राजा बेटा अपनी मौसी के साथ मस्त मूड में टहल रहे हैं, मैं भी मम्मी के साथ में थी, क्योंकि अभी लाइट, हम लोग जब बाहर निकले तो पता चला कि लाइट बन रही है और आधे घंटे लगेंगे बनने में, तो ये हुआ कि टहल लेते ही हैं, ज़्यादा दूर तो है नहीं, अपने मोहल्ले में ही टहल रहे हैं सड़क पे। और वॉक करना भी ज़रूरी है खाना खाने के बाद, जब ससुराल में तो हो नहीं पाता है बाहर निकल के टहलना, तब भी मैं छत पे जाके ज़रूर टहलती हूँ इनके साथ में और राजा बेटा को लेके। और यहाँ पे मौसी उनकी राजा बेटा को कर रही थी परेशान, क्योंकि मौसी के हैं ये लाडले और राजा बेटा को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है मौसी के इस तरह परेशान करती। अगर मैं इतना परेशान कर देती हूँ तो फिर तो हो जाती है भाई हम लोगों की। और यहाँ नानी और उनके साथ निकल गए थे, फिर हम लोग घर पे आए और यहाँ मामा के साथ फिर मस्ती स्टार्ट हो गई है। पता नहीं ये दोनों कब सोएंगे, मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का सोने का मूड है। अभी इन दोनों का मूड है फाइट करने का और ये दोनों अभी लगातार फाइट करते रहेंगे। मैं तो चली सोने, गुड नाइट सबको।